नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह देव गुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को अपनी राशि परिवर्तित करने वाले हैं। तो इसका मीन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है, देखिए 1 मई 2024 को देव गुरु अपनी वर्तमान मंगल से प्रभावित मेष राशि को छोड़कर शुक्र से प्रभावित राशि वृषभ राशि में 12 वर्षों के बाद प्रवेश करने वाले हैं और 14 मई 2025 तक यानी 12 महीने के लिए देव गुरु वृषभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं। इस राशि परिवर्तन से सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव पड़ेगा। इसका मीन राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। मीन राशि वाले जातकों, देव गुरु जो हैं वो आपके राशि के लिए स्वामी ही आपके माने जाते हैं तथा आपके कर्म भाव के भी स्वामी माने जाते हैं। तो गुरु अपना राशि परिवर्तन करके किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता देने वाले हैं, यही जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। बृहस्पति के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए देव गुरु बृहस्पति को सबसे प्रभावशाली और सबसे शुभ ग्रह ज्योतिष में माना गया है। गुरु को भाग्य, ज्ञान, धन, संतान, बड़े भाई, वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर गुरु का ही आधिपत्य होता है। देवगुरु बृहस्पति अगर जन्म कुंडली पर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो कुंडली पर कई ग्रहों के खराब होने के बावजूद भी जीवन में सफलता प्राप्त होती है। और ऐसा भी कहा गया है कि देव गुरु अगर शुभ अवस्था में विराजित हों तो कुंडली के लाख दोषों का शमन करते हैं अगर ये केंद्र में या त्रिकोण में विराजित हों। देव गुरु के अनुकूल होने पर जातक को नाम, शोहरत, सफलता, धन, संतान और उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। यही गुरु जब जन्म कुंडली पर कमजोर अवस्था में विराजित होते हैं तो पुरुषों के लिए ये धन के कारक माने जाते हैं और महिलाओं के लिए ये वैवाहिक जीवन यानी पति के कारक माने जाते हैं। तो अगर पुरुषों की कुंडली में गुरु खराब हुए तो धन का सामना, संकटों का सामना करना पड़ता है, पुरुषों को कर्ज भी काफी ज्यादा झेलना पड़ता है। और यही महिलाओं की कुंडली में अगर खराब हो जाए तो वैवाहिक उतार चढ़ाव का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। पीड़ित गुरु के प्रभाव से थायराइड की समस्या, पेट जनित बीमारी, मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या तथा गुरु के खराब होने पर जीवन में ऐसे व्यक्ति को मानसिक बीमारियां भी परेशान करती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव मिल सकता है। ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मीन राशि वाले जातकों, गुरु आपकी राशि और कर्म भाव के स्वामी होकर 1 मई 2024 को आपकी राशि के थर्ड हाउस यानी पराक्रम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के तीसरे भाव से साहस और संकल्प शक्ति के बारे में, छोटे भाई बहनों के बारे में, पराक्रम के बारे में विचार किया जाता है। गुरु आपके पराक्रम भाव पर विराजित होकर अपनी पंचम दृष्टि आपके राशि के वैवाहिक भाव पर डालने वाले हैं, सप्तम दृष्टि आपके राशि के भाग्य भाव पर डालने वाले हैं और नवम दृष्टि आपके राशि के लाभ भाव पर डालने वाले हैं। तो मीन राशि वाले जातकों, इस गुरु के इस परिवर्तन से आपके जीवन में कई प्रकार की शुभता मिलने वाली है। सबसे पहले आप अपने खुद के मनोबल के दम पर, खुद के व्यक्तित्व के दम पर अपना एक अलग ही पहचान, एक अलग नाम सम्मान बनाने में सफल रहने वाले हैं। गुरु के इस राशि परिवर्तन से आपके साहस में और आपके मनोबल में विकास काफी ज्यादा होने वाला है
और मीन राशि वाले जातक चूंकि साढ़े साथी से परेशान हैं, तो पिछले समय से यदि आप अपने जीवन में लगातार प्रयास करने के बावजूद भी अपने मनोबल को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो इस समयावधि में आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और मनोबल में वृद्धि होने वाली है। मीन राशि वाले जातकों का जो वैवाहिक जीवन का साथी है वो काफी तरक्की करने वाला है, यानी जो आपका स्पाउस है उसके जीवन में उन्नति होने वाली है। गुरु की पंचम दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर जाने वाली है। ऐसे जातक जिनके जीवन में विवाह नहीं हुआ है, यदि आप विवाह की कामना लेकर जीवन में चल रहे हैं, अविवाहित हैं, तो आपके जीवन में नए वैवाहिक प्रस्ताव आपको देखने के लिए भी मिलने वाला है। गुरु के इस परिवर्तन से मीन राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक स्थिति भी सकारात्मक बनने वाली है, यानी आपके जीवन में पिछले समय से यदि आपको ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी दाम्पत्य जीवन में कठिनाई जो आपको ज्यादा मिल रही थी, उसका वजह यह है कि आपके ऊपर साढ़े साथी का प्रभाव है। साढ़े साथी के प्रभाव की वजह से मीन राशि वाले जातकों को वैवाहिक उतार चढ़ाव मिल रहा है और आपके लगन में राहु का गोचर हो रहा है। तो लगन में राहु का गोचर हो रहा है तो मीन राशि वाले जातक अपने जीवन साथी के ऊपर हावी होने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो यहां पर आप पाएंगे कि यदि आप प्रयास करते हैं तो आपका जो जीवन साथी है आपका भरपूर सहयोग भी करेगा और वैवाहिक जीवन में पिछले समय से सभी प्रकार के गिले शिकवे जो चल रहे हैं वो दूर होने वाले हैं और आपका वैवाहिक जीवन काफी खुशनुमा बनने जा रहा है। आपके साथी का सहयोग भी आपको आसानी से मिलेगा। गुरु का नवम दृष्टि दर्शकों आपकी राशि के लाभ भाव पर जाने वाली है, तो यह समयावधि में आपके कर्म के रफ्तार बढ़ने वाली है और आप अपने जीवन में कर्म के द्वारा उपार्जित धन में वृद्धि करने में सफल रहेंगे, यानी आपके जीवन में धन की वृद्धि भी होने वाली है। और मीन राशि वाले जातकों के लिए चूंकि गुरु की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जाने वाली है, तो यह समय आपके जीवन में मनोबल का विकास करने वाला है और इस समयावधि में धर्म कर्म के प्रति धार्मिक क्रियाकलापों के ऊपर आपका खर्च भी होने वाला है। धार्मिक क्रियाकलापों में आपका जुड़ाव काफी ज्यादा बढ़ने वाला है और मीन राशि वाले जातकों को घर के गार्जियंस का सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, माता का सहयोग आपको मिलेगा। गुरु आपके नवम भाव को प्रभावित करने वाले हैं, तो यदि आप प्रयास करते हैं तो इस समयावधि में आसानी से अपने कुटुंबी जनों का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, मीन राशि वाले जातकों गुरु आपके राशि के ही स्वामी हैं और आपके लिए पराक्रम भाव पर गोचर करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो इस समयावधि में आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए, यानी आप अपने जीवन में अति आत्मविश्वास बनाकर ना चलें। देखिए, जो अति आत्मविश्वास होता है वो व्यक्ति को मनमौजी बनाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस को हावी नहीं होने देना चाहिए, अन्यथा आपको जीवन में समस्याएं भी हो सकती है। और दूसरा, मीन राशि वाले जातकों इस समयावधि में चूंकि गुरु आपके राशि के स्वामी हैं, तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। बृहस्पतिवार के दिन यदि आप भींगी हुई चने की दाल में गुड़ मिलाकर गायों को यदि आप देते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। गुरु को मजबूत करने के लिए मीन राशि वाले जातकों को बृहस्पतिवार के दिन गरीबों में ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में समर्थ नहीं है, ऐसे लोगों में यदि आप चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पका हुआ केला या पीले पकवान, इन चीजों का यदि आप दान करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। मीन राशि वाले जातकों, उम्मीद है ये जानकारी आपको बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से
हम उसका समाधान भी करेंगे। ओम नमः शिवाय।